सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि केम प्लस सनमार एंड आप्टस वैल्यू के आईपीओस का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 23 अगस्त 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं केम प्लस सनमार के आईपीओ की। देखिए जो आईपीओ है 10 से 12 अगस्त के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 530 से 541 रुपये के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 541 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 27 शेयर थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो मात्र 10% का रिजर्व यहां पर मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब -40 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 541 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। 40 रुपए डिस्काउंट पर यह करीब 501 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से न्यूवोको विस्तास लिमिटेड के आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, करीब 17% नीचे यह आईपीओ खुलता हुआ नजर आया था। हालांकि निचले स्तरों से खुश खरीदारी आई और करीब अभी 6-7% के आसपास इसमें गिरावट चल रही थी। वहीं यहां पर देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में साफ साफ इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है और यह जो प्रीमियम -40 रुपए के आसपास तक पहुंच गया। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम 40 रुपए पॉजिटिव में चलता हुआ नजर आता था। और देखिए पिछले कुछ दिनों में मार्केट में जो गिरावट का माहौल है, मिड कैप शेयरों में जो गिरावट हो रही है और मार्केट में एकदम नेगेटिविटी का माहौल है, जितने भी आईपीओज अभी ओपन हुए हैं या तो वो नेगेटिव पर लिस्ट हुए हैं या फिर उसमें बहुत ही कम प्रीमियम देखने को मिला है, वैसा ही यहां पर कुछ देखने को मिल रहा है। ये जो प्रीमियम है 40 पॉजिटिव से 40 माइनस तक पहुंच गया है, यानी करीब 80 रुपए की गिरावट यहां पर ऊपरी स्तरों से देखने को मिल चुकी है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो आईपीओ है काफी बेहतरीन है और यहां पर अगर निचले स्तरों पर आपको खरीदने का मौका मिलता है तो आपको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यह शेयर काफी बेहतरीन है। और अगर आपको ये 541 रुपए से नीचे ये खुलता है और नीचे जाता है, जहां तक नीचे जाता है आप उन निचले स्तरों पर अगर इसको खरीद पाएं तो काफी बढ़िया यहां पर आपको रिटर्न आने की उम्मीद हो सकती है। तो आपको इस आईपीओ में जिसको अलॉटमेंट हुआ है उसको तो यहां पर एवरेजिंग कर सकता है, इस पर नेगेटिव पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, आपको होल्ड ही करना चाहिए इस शेयर को। वहीं नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ है आप्टस वैल्यू का आईपीओ। ये आईपीओ भी 10 से 12 अगस्त के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 346 से 353 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 353 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 42 शेयर थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन यहां पर भी मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब -30 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 353 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। -30 रुपए का यहां पर डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट होने के संकेत दे रहा है, यानी कि ओवरऑल कहें तो यहां पर ये 23 रुपए के आसपास लिस्टिंग के संकेत यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूवोको विस्तास लिमिटेड के आईपीओ की लिस्टिंग बहुत ही खराब हुई है और बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पर हुई है, और वैसा ही यहां पर भी कुछ देखने को मिल रहा है। और देखिए यहां पर भी अगर निचले स्तरों पर लिस्टिंग होती है तो जितना नीचे आप इसको खरीद पाए उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जिसको ये आईपीओ अलॉट भी हुआ है उसको भी यहां पर निगेटिव पर बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये आईपीओ उतना भी खराब नहीं था कि जितना यहां पर 10% के डिस्काउंट प्राइस पर ये ओपन हो जाए, तो यहां पर आपको थोड़ा सा होल्ड करके जरूर रखना है। और निचले स्तरों पर अगर आप एवरेजिंग कर पाए तो ये भी काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी हो सकती है इसके लिए। लेकिन यहां पर ये जो आईपीओ है माहौल बहुत खराब है और इस माहौल में कल के दिन जो ये आईपीओ लिस्ट होगा यहां पर मुझे लगता है कि और भी ज्यादा यहां पर डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। हालांकि जो न्यूवोको विस्तास का था 17% की ओपनिंग के बाद इसमें रिकवरी जरूर आई है, वैसे ही यहां पर कुछ देखने को मिल सकता है। अगर ये ज्यादा नीचे लिस्ट हो तो आप इंट्राडे के लिए पोजीशन भी बना सकते हैं। दोनों ही आईपीओज में अगर ये ज्यादा नीचे करीब 10-15% के नीचे लिस्ट होते हैं तो आप दोनों में ही इंट्राडे के लिए लॉन्ग
लॉन्ग पोजीशन बनाकर रख सकते हो, जिससे आपको जो इंट्राडे में प्रॉफिट होगा उसका फायदा भी यहां पर ले सकते हो। क्योंकि देखिए सबको पता है काफी ये उतने भी खराब आईपीओज नहीं है, और इतने ज्यादा नीचे अगर लिस्ट होते हैं तो निश्चित रूप से लोग इसको खरीदारी करेंगे ही करेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि इतने भी खराब नहीं है कि ये 15-20% 30% नीचे अगर डिस्काउंट प्राइस पर ओपन हो जाए, ऐसा भी इसमें कुछ कंपनियों में खराब नहीं है। ठीक है, तो आपको यहां पर थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है, और अगर ज्यादा नीचे लिस्ट होते हैं तो इसमें खरीदारी का मौका आपको ढूंढना है। अब देखिए यहां पर जो भी आप करेंगे वो अपनी और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह से ही करें। यहां पर मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मैं यहां पर देख पा रहा हूं, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं, और यहां पर जो भी आपको होगा उसका जिम्मेवार आप खुद ही होंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।